आजादी का अमृत महोत्सव और दिल्ली पुलिस की प्लैटिनम जुबली और राजा रवि वर्मा के 174वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और मेघ मंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय पर स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में चित्रकार सम्मान समारोह चित्रांजलि का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में चित्रकारों और युवा भावी चित्रकारों को सम्मानित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। दीप प्रज्वलित के साथ समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, पूर्व पंजाब और हरियाणा और त्रिपुरा के गवर्नर प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी और मेघ मंडल संस्थान के सचिव विमलेश ब्रिजवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना, पुलिस परिवार कल्याण की संस्था की अध्यक्षा अनु अस्थाना के अलावा तमाम गाने माने लोग उपस्थित थे। चित्रांजलि चित्रकार सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्व गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा यहां आए लोगों को संबोधित किया गया। इस मौके पर श्री अस्थाना ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस की प्लैटिनम जुबली के तहत कई जागरूकता के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिला सुरक्षा, ड्रग से बचाव जैसे तमाम सामाजिक जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए सुनते हैं पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने अपने संबोधन में क्या कहा। इस अमृत महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों और उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है तथा इसका उद्देश्य अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना है। हमारे देश का समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा और कला से परिपूर्ण है, जो विश्व में अद्वितीय है तथा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कला का अर्थ बहुत विस्तृत है। कला की जरूरत हमें अपने जीवन में हर कदम पर पड़ती है। इस दुनिया को समझने में हमें कला के माध्यम से मदद मिलती है। भारतीय कला में हमें अपनेपन का आभास होता है और कला की एक अच्छी रचना आनंद और संतुष्टि की भावना को जन्म देती है। इसके अलावा यह हमारी मनोदशा को सुधारती है और समस्याओं को हल करने के लिए तथा जिस तरह के प्रेशर में हम काम करते हैं उसमें हमारी क्षमता को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दिल्ली पुलिस अपने दैनिक कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों और अपराधों पर नियंत्रण करने के साथ साथ समाज की प्रत्येक गतिविधियों में अपना योगदान कर समाज के उत्थान के लिए सहयोग कर रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस बहुत से प्रमुख अवसरों पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व ड्रग दिवस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे आदि पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से उभरते कलाकारों को अपने विचारों को चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। आपको बता दें कि देश इस वर्ष आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और दिल्ली पुलिस प्लैटिनम जुबली मनाया जा रहा है और राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह चित्रांजलि समारोह में चित्रकारों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया, जो कि काफी सराहनीय। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।